जेईई मेंस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और अभी तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के बोर्ड के पेपर भी चल रहे हैं, जिस वजह से वो ज्यादा जो है जेईई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स पता हो जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे स्कोर ला सकते हो। जी हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज देखी गई थी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसकी मदद से आप 60+ मार्क्स तक स्कोर कर सकते थे। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम इस वीडियो में देखने वाले, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे जरूरी चीज ये भी है कि ये चैप्टर्स हमने इस हिसाब से उठाए कि आप जो है नेक्स्ट 20 to 25 days में इन्हें आराम से फिनिश कर पाओ। तो ये चीज नहीं है कि बहुत बड़े चैप्टर्स यहाँ पे आपको डाले गए हैं। और जो ये हम बात कर रहे हैं, इस एनालिसिस को तैयार किया गया है आपके जो लास्ट के 3 साल के पेपर हुए हैं उनके बेसिस पे। तो इनका मतलब काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रही है इन चैप्टर्स की क्वेश्चंस पूछे जाने की। और यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज देखी गई, यानी कि जो आपका जनवरी का अटेम्प्ट हुआ, तो यहाँ पे आपको परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स दिख रहे होंगे हर एक शिफ्ट के लिए। आपकी जो 24 शिफ्ट हुई थी जैसे कि जनवरी की, तो उसमें सिर्फ 13 मार्क्स पे ही जो है आपके यहाँ पे 90 परसेंटाइल बन रहे थे। तो ये चीज हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने कम क्वेश्चंस भी सही अटेम्प्ट कर लिए तो आपके एक अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं। तो 13 मार्क्स मतलब आप सोच के देखो कि 4 क्वेश्चन भी आप सही कर देते हो तो 90+ परसेंटाइल में पहुंच जाओगे, है ना। और कुछ शिफ्ट में जो है, मतलब अगर 99 परसेंटाइल की भी बात करें, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 33 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। देन यहाँ पे अगर हायर साइड भी देखें तो 56 मार्क्स की। तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें मैथ्स में यही ट्राई करना है कि अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते तो इतने मार्क्स तो हम कम से कम ला सकते हैं जिसके थ्रू आपके 98-99 परसेंटाइल आराम से सेकेंड अटेम्प्ट में हमें देखने को मिल जाए। तो सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। जी हाँ, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री का इस बार काफी ज्यादा वेटेज रहा था, और ये चीज हर साल देखी जाती है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, बट इस बार तो 4 से 5 क्वेश्चंस तक जो है हमें देखने को मिले थे। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में भी हम ये चीज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों ही चैप्टर्स काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, इन्हें इसलिए इन्हें साथ में ही आपको जो है तैयार करना होगा, और कई सारे क्वेश्चंस में आपके डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहते हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और किसी और चैप्टर से ये रिलेटेड नहीं रहते, ऐसा नहीं है कि मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो अगर आपने इन चैप्टर्स को थोड़ा ऐसे अलग से भी तैयार कर लिया बाकी चैप्टर्स के मुकाबले, तो भी ये आपको एक अच्छा खासा स्कोर दिला जाएंगे। और ज्यादातर टॉपिक्स आपके वेक्टर्स में हो जाते हैं, जैसे कि स्केलर हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये आप ऑलरेडी जो है फिजिक्स में कवर कर लेते हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन तो आप वैसे भी जो है सॉल्व कर ही लोगे। अब अगर हम देखें कि ऐसे कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स थे जो कि हमें वेक्टर्स एंड 3D में फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने को मिले, ताकि आप उन्हें और अच्छे से तैयार कर लो, तो सबसे पहला हो जाता है हमारा क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देन सेकंड इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जहां से क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब यहाँ पे जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे हमें देखने को मिले थे, और जो व्हाइट वाले हैं वो थोड़े मॉडरेट लेवल पे थे, तो येलो वालों को आपको प्रायोरिटी 1 पे जो है सेट करना है। कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए, तो इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। फिर 3D में अगर बात कर ले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, तो यहाँ पे इससे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है शिफ्ट्स में देखने को मिले थे। ज्यादातर स्टूडेंट को याद भी होगा कि उनकी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं। देन प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर और पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन लाइन हो गया, फिर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो से बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सारे टॉपिक्स को और अच्छे से आपको फोकस करते हुए जाना है। अब देखिए, यहाँ पे मैथ्स में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, लेकिन अब जब आपके पास कम टाइम रह गया है तो यहाँ पे आपको बहुत स्मार्ट तरीके से वर्क करना होगा। तो इसी को सोचते हुए हमने आपके लिए लॉन्च किया है जेईई मेंस 2023 का मैथ सेवियर बैच, जो कि आपके सेकेंड अटेम्प्ट में एक अच्छा रिजल्ट दिलाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स कवर करी गई है, जिसकी मदद से ये देखा गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। देन आपका स्मार्ट तरीके से थ्योरी को कवर अप है, तो सारे ही लेक्चर्स आपके प्री रिकॉर्डेड रहेंगे, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें कंप्लीट कर सकते हो, और काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि कोर्स में हो रहे हैं। तो इसलिए इसको बैच को आपको जरूर से जो है ज्वाइन करना चाहिए। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल प्लस एरिया अंडर द कर्व। अब देखिए, इसका जो वेटेज था फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग ये था कि 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जा रहे थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इंटीग्रल जो है बहुत टफ है, बहुत टफ है, बट इंटीग्रल में ज्यादा टफ क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, जबकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को ही नहीं मिलते। तो आपको बस बेसिक मेथड्स पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं, देन आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का जो है फॉर्मूले क्या रहते हैं, अगर ये सब चीजें भी पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की
और यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व रहता है वो तो और ज्यादा सिंपल चैप्टर रहता है, जिसमें अगर आपको ग्राफ्स बनाना अच्छे से आता है तो आप कर लोगे, क्योंकि तो बाकी क्या है, सिंपली जो है लिमिट ही तो पुट करना है, इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट करो। तो इसलिए ये सेक्शन काफी ज्यादा जो है इजी भी पड़ जाता है, और अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे कौन से रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स थे जो कि जनवरी अटेम्प्ट में देखने को मिले, तो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से किंग रूल तो आपका इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है ब्रेकिंग लिमिट्स। यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, जो हमारी इंटीग्रल की लिमिट है उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे मॉड्यूलस इन्वॉल्व हो जाता है, तो कितने में पॉजिटिव है कितने में नेगेटिव, फिर गिव वाली प्रॉपर्टी हो जाती है, तो वहां पे जो है हमें यहाँ पे हमारे जो इंटीग्रल है उसको तोड़ते हुए जाना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा हो गया इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड देन पुटिंग लिमिट्स। तो यहाँ पे रहते ही वो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि किस फंक्शन को जो है हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला पे जो है क्वेश्चन देखने को मिल गए थे, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो इन पे थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, बट इन्हें अच्छे से कर लेना, क्योंकि जिनकी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाए तो उनसे ये छूटना नहीं चाहिए। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इन दोनों को एक साथ क्लब क्यों किया गया है, क्योंकि ये काफी इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है आपके एलजेब्रा के, और इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पढ़ लोगे, एपी जीपी एचपी लगभग सभी को आता है, उनके फॉर्मूले सबको पता रहते हैं, क्वाड्रेटिक में भी बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर रहती है, लेकिन जो इनके क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं ना वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे फ्रेम किए जा सकते हैं, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स थे आपके जनवरी अटेम्प्ट में, तो वो थे रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, देन नंबर ऑफ रियल रूट्स, ये निकालना रहता है, तो इसमें आप ग्राफ की भी यूज ले सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया भी है कोर्स के टाइम पे बताया, एंड कुछ लेक्चर्स जो है अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस रहनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो है आपकी स्पेशली जो डिग्री 4 वाली इक्वेशन रहती है, उस टाइप के क्वेश्चन अभी रीसेंट ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, x की पावर 4 से लेकर आपकी जो इक्वेशन दी रहती है, तो उसमें क्या करना रहता है, ज्यादा कुछ नहीं टेंशन है, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर क्वाड्रेटिक टाइप ही बन जाती है, तो उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। देन प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, रीसेंट ट्रेंड में ये देखा जा रहा है कि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कॉमन टर्म ऑफ 2 या फिर 3 एपी आपको दिए तो उनके बीच के कॉमन टर्म का सम पूछ लिया, या फिर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। देन एपी जीपी के मिक्स प्रॉब्लम्स आ जाते कि इतने आपके टर्म्स दिए, इनका जो है सम ये है, और उनमें से कुछ टर्म्स आपके जीपी में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाते, तो इसके बारे में आपको एपी और जीपी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम अभी जो हमारा रीसेंट टाइम है ना, उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है, क्योंकि लगभग आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एक सिंगल चैप्टर से, तो ऐसा बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पे यही चीज है कि बायनोमियल आपको अच्छे से करके जाना है, और कुछ कुछ शिफ्ट में तो कभी कभी 3-3 क्वेश्चन भी देख लेने को मिलते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर बन जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट आपका जनवरी अटेम्प्ट में कौन से रहे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको जो ढूंढना रहता है ना, वो चीज जो है आपसे कई बार पूछी जा रही थी, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम अच्छे से करके जाना बायनोमियल थ्योरम में। फिर कोएफिशिएंट निकालने को मिल जाता है, कोई एक हायर पावर दे दी x की पावर 101, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी सीरीज दी है, तो इस टाइप का आपको जो है निकालते हुए आना चाहिए, जनरल टर्म के साथ ही खेलना रहता है यहाँ पे। फिर बायनोमियल कोएफिशिएंट वाली सीरीज, तो उसमें आपको बेसिक सारी सीरीज जो है क्लियर रहनी चाहिए, है ना, तो इसके जो है क्वेश्चन हमें अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाने चाहिए। अगला है आपका टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। 8 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से भी जो है बन जाते हैं, दोनों ही चैप्टर्स काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो इन्हें अच्छे से करके जाना है। और मैट्रिसेस के लिए जनरली क्वेश्चन सिंगल कॉन्सेप्ट के रहते हैं, बट डिटरमिनेंट के लिए कभी कभी मिक्स टाइप के आ जाते हैं। अब ये जो है ये मैं पिछले साल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, इस बार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे, इस बार आपको जो मिले थे वो अभी अपन डिस्कस करने वाले। और पी वाई क्यूज में अगर हम बात करें, तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन जो डिटरमिनेंट वाले रहते हैं, उसमें कभी आपका जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ मिक्स कर दिया जाता है, या फिर एएमजीएम फॉर्मूला के साथ एनसीआर की कोई प्रॉपर्टी मिक्स कर दी, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स के तरफ से था आपका सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। यहाँ पे जो आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन भरे पड़े थे, ठीक है, हर एक शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, तो इसे बहुत ही अच्छे से करके जाना है। आप पिछले भी पीवाईक्यूस उठा लेना, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो कि कहाँ पे जो है किस तरीके से हमें यहाँ पे निकालना रहता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, वो आपको पता होना चाहिए।
फिर जो मैट्राइसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। काफी क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज भी अच्छे से कर लेना, इनवर्स की भी कर लेना, और हायर पावर्स ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो रहता है ना, मतलब आपको रिकॉग्नाइज करना रहता है। जैसे आपको ए दे के रखा है तो आपको ए स्क्वायर ए क्यूब ये ऐसे निकालते हुए एक पैटर्न समझना पड़ता है कि कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं रह रही है या फिर ऐसा कुछ रह रही है, तो उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे गए थे। तो इन सारे टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस आपको कर लेना है, बाकी चैप्टर को तो पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाना ही जाना है। अब एक बार के लिए जो है मैं आपके लिए चीजों को समराइज कर देता हूँ कि टॉपिक वर्सेस नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें कैसे देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर्स एंड 3D के, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डेफिनेट इंटीग्रल्स प्लस एरिया अंडर द कर्व के 3 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक के आपके 2 से 3 क्वेश्चन, बाइनोमियल के 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के 2 क्वेश्चन। तो अगर हम लोअर साइड भी गिने तो यहाँ पे आपके लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन, यानी कि 52 मार्क्स तक आप जो है स्कोर कर सकते थे। और अगर हम यहाँ पे हायर साइड पे गिने तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन, यानी कि 60 मार्क्स तक। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 50 to 60 मार्क्स इन चैप्टर्स के थ्रू आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से कर सकते थे। और ये चीज पिछले साल तक भी जो है देखी जा रही थी कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट इनकेस किसी शिफ्ट में अगर थोड़ा लोअर वेटेज भी रह जाता है तो कुछ मैं बैकअप चैप्टर्स आपको बताना चाहूंगा जो कि छोटे भी है और आसान भी है। तो उसमें सबसे पहला है मैथमेटिकल रीजनिंग। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है तो इसको बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी में जितनी चीजें दी उसको अच्छे से देख लो, प्लस पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है, 2 1 सालों के। बहुत आराम से जो है इनके क्वेश्चन आप कर लोगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन जो है आपका ऑलमोस्ट फिक्स रहता है तो इसको अच्छे से करके चले जाना। स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो एक क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है, किसी शिफ्ट में मिस होता भी है तो वहां पे इनका वेटेज आपका ज्यादा रहेगा, है ना। तो 50+ मार्क्स के लिए इतने जो चैप्टर्स बता रहा हूँ उनको अच्छे से कर लो, काम हो जाएगा आपका। फिर सेट्स एंड रिलेशन का एक क्वेश्चन लगभग आपका जो है ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, तो इनको जो है इजी चैप्टर से आराम से अच्छे से जो है आपको फिनिश कर लेना चाहिए। अब ये जो सेशन की PDF है जहां पे मैंने आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट और सारी चीजें बताई है, इसका प्रॉपर आपको जो है सेशन की PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, नहीं तो फिर आपको थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, बाकी नहीं तो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। डाउनलोड कर लेना उस PDF को और उस हिसाब से जो है प्रिपेयर कर लेना एक शेड्यूल बना के प्रॉपर। और आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन अपनी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे हमारी प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पे एक फ्री प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है मैथ्स की, जिसके अंदर हमने मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। तो काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लिखे थे वो इसमें ऑलरेडी कवर्ड है। तो ये 17 वीडियोस को आपको अच्छे से निपटाना है। अभी कुछ और वीडियोस भी जो है इस सीरीज के अंदर आपके अपडेट भी होते जाएंगे, तो उनको भी जो है फिर लगातार आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते जाना। बाकी यार होपफुली ये प्रॉपर जो एनालिसिस आपके लिए किया गया है ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब आप नेक्स्ट वीडियो इस टाइप का किस पे चाहते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री पे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखिए मानता हूं कि अभी आप बोर्ड्स में बिजी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम आप निकालते रहिए अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि उसको हमें ब्रेक नहीं होने देना। बाकी कोई स्टूडेंट्स अगर बिट सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे तो उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से टाइम निकालो। ऑलरेडी हमारे बिट सेट के भी कोर्सेस आपके लिए लॉन्च है, जिसमें क्रैश कोर्स है, LR एंड इंग्लिश कोर्स है, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पर जरूर से चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।